है गाइस, माय नेम इज ऋषभ वर्मा। दिस इज दी एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का थ्योरा नंबर 6.9 करने वाले हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मींस पाइथागोरस का ऑपोजिट, है ना। चलिए देखते हैं। बोलता क्या क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, अगर एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। बोल रहा है कि तो प्रूफ करो कि जो एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, जो फर्स्ट साइड है, ठीक है, उसका उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल जो होगा, उसके ठीक सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, ये प्रूफ करो। ठीक है, ये है हम लोग का थ्योरम। ओके, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका हम लोग फिगर बना लेंगे। अभी मान लेते हैं उसका नाम है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। तो एन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, फिगर बना लेते हैं पहले, तब अच्छा से क्लियर होगा। देखिए, ये रहा ए बी सी, ओके, ए बी अब इस एबीसी में गिवन क्या है कि जो एसी स्क्वायर है वो इक्वल है एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के। ठीक है, ओके, बस इतना ही गिवन है। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है, इतना ही गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ हम लोगों को करना है कि जो फर्स्ट साइड है एसी, उसका अपोजिट वाला एंगल मीन्स ये एंगल बी, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे, कैसे प्रूफ होगा। प्रूफ करने के लिए ना हम लोग को ऐसा ही एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा ही एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखिए, क्योंकि ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। ओके, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं पी क्यू आर। ओके, ये हो गया पी क्यू आर। अब ड्रॉ में करेंगे क्या हम लोग, ड्रॉ में हम लोग करेंगे क्या, ये है हम लोग का ड्रॉ। ड्रॉ में हम लोग क्या कर रहे हैं ना,
ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ किए जिसमें पी क्यू इक्वल है ए बी के, ठीक है, ये इसके इक्वल है एंड क्यू आर इक्वल है बी सी के, क्यू आर इक्वल है बी सी के, ओके। एंड और एक बात कि इसका जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है, एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चीज़ हम लोग का गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रूफ पे चल जाएंगे, ये प्रूफ आखिर होगा कैसे, ठीक है, प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, चलिए देखते हैं प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। प्रूफ 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 के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या दिख रहा है कि ये जो पी क्यू आर है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के, क्यों, क्योंकि पी आर हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल हो जाता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, है ना, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो हो गया। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि पी क्यू ए बी के इक्वल है और क्यू आर बी सी के इक्वल है, तो हम लोग पी क्यू के जगह में ए बी लिख सकते हैं और क्यू आर के जगह में बी सी लिख सकते हैं, है ना, तो वही करेंगे, पी आर स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह में बी सी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा, कहाँ से, तो फ्रॉम ड्रॉ, या तो ड्रॉ से लिख देते हैं या फिर ये लोग का इक्वेशन नाम दे देते हैं वन और ये टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन को देखें और जो गिवन था उसको देखें, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए इसका नाम हो गया थ्री, इक्वेशन थ्री, इसको हमें हम दे देते हैं फोर, ठीक है, तो अब अगर हम लोग इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को देखें तो क्या दिख रहा है कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, तो इसलिए क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर स्क्वायर के, है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल कर दिए। अब अगर स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, टेकिंग सॉरी ये देखिए ए सी स्क्वायर को पी आर स्क्वायर के इक्वल दिखा दिए, ठीक है, ओके। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के,
जैसे ही एसी पीआर के इक्वल हुआ, ठीक है, जैसे ही एसी पीआर के इक्वल हुआ, हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों कंग्रुएंस हो चुके हैं। कैसे कैसे कंग्रुएंस हुए? एस 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 से, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर को हम लोग ए बी और बी सी के इक्वल पहले ही ड्रॉ में ही माने थे, और अभी हम लोग ए सी और पी आर को भी इक्वल कर दिए। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, देखिए सेंस एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, है ना। ये कहाँ से आया, ड्रॉ से आया, ठीक। और ए सी इक्वल्स टू पी आर, ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 5, अभी तुरंत हम लोग इक्वेशन 5 माने थे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से, जैसे ही ये इक्वल हो गया तो बोलेंगे फ्रॉम एस 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 कंग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब ये कंग्रुएंट हो गया तो हम लोग सी पी सी डी से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम सी पी सी टी, सी पी सी डी क्या होता है, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो फ्रॉम सी पी सी डी से हम लोग क्या बोल देंगे कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। अब कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम लोग बी और क्यू को मैच करें तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा, है ना। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल बी और एंगल क्यू, अगर देखें तो यहाँ देखिए, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये बी और ये क्यू कॉरिस्पॉन्डिंग है, ए और पी कॉरिस्पॉन्डिंग है, सी और आर कॉरिस्पॉन्डिंग है ना। हम लोग को ज़रूरत है बी और क्यू का, इसलिए सिर्फ उसी को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो बी और क्यू इक्वल हो गया, जैसे ही बी और क्यू इक्वल हो गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम लोग का क्यू कितना था, क्यू कितना माने थे हम लोग एंगल क्यू को 90 डिग्री, तो क्यू की जगह में 90 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि एंगल बी को हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, यही हम लोग को करना था, ठीक है, 90 डिग्री प्रूफ। अच्छा, ये क्यू 90 डिग्री कहाँ से आया, ड्रॉ से, फ्रॉम ड्रॉ, ठीक है, क्यू 90 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये ड्रॉ से आया, ओके। तो यहाँ हम लोग प्रूफ कर दिए हैं एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूव्ड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियोस यूज़फुल लगता है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।